Now I kindly request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi Garu, to address the devotees. Gattiga mee karatala dhwanlato मंगला शासनालय मोरट्टिगा कार्यक्रम में श्री नरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती रमा देवी जी, बहन रचना, श्रीमान के लक्ष्मणन जी, उपस्थित सभी भक्तगण, अपार संख्या में आए हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज कार्तिका पूर्णिमा और कार्तिका सोमवार भी, इस पावन अवसर पर आपके बीच आना और यहाँ कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनना ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है। शायद ईश्वर के आशीर्वाद है और आप सब तो जानते हैं कि मैं तो महादेव शिव की नगरी काशी का सांसद हूं। आज बाबा की काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं इस बार काशी नहीं जा पाया हूं, लेकिन जो कमी मैं महसूस करता था वो आज यहां पूरी हो रही है। मुझे यहां आपके बीच में कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है और वाकई आज का दिन बहुत ही धन्य करने वाला है। आज सुबह मुझे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वरा के भव्य दर्शन का सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। वो अनुभव, वो अनुभूति, उनके चरणों में बिताए गए वो पल, उसका वर्णन शब्दों में करना बड़ा कठिन है। मैंने समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और सबके लिए परमात्मा से आशीर्वाद मांगा। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। अब से कुछ समय पहले मुझे हैदराबाद में ही गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेकने का भी अवसर मिला और इससे पहले मुझे दिन भर जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिला। मेरे परिवारजनों, मुझे अक्सर मीडिया समूहों के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन ये कार्यक्रम सबसे अलग है। आज NTV भक्ति समूह ने मुझे यहाँ भक्ति भाव से आप सबसे जुड़ने का अवसर दिया है। मैं थुम्मला नरेंद्र चौधरी जी, रमा देवी जी और उनके पूरे ग्रुप को इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी रमा जी मुझे बता रही थी कि 12 साल से हो रहा है और आज ये 12वां साल की एक विशेषता है आज के कार्यक्रम की। साथियों, तेलुगु लोगों के बीच आना हमेशा सुखद होता है। आपके पास एक समृद्ध संस्कृति और साहित्य है। श्रीशैलम से बेमुलावाड़ा तक, भद्राचलम से आलमपुर तक, तिरुपति से यदाद्री तक, यहां आस्था का, आध्यात्म का एक असीम सागर है। पोथना की भागवतम, रामदास की भक्ति कृतियां, अन्नमैया, नन्नैया, तिक्कना और येरा पैगड़ा रचनाएं, योगी वेमना की कविताएं, ऐसी अनेक समृद्ध धरोहर तेलुगु साहित्य की विरासत का प्रमाण है। आज हम यहां इस विरासत को और सशक्त होते हुए देख रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति परब्रह्म, यानी एक ज्योति भी परम ब्रह्म का स्वरूप होती है। इसका कारण यह है कि दीपक अंधकार का अंत करता है और प्रकाश का संचार करता है। जब हम दीपक की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रकाश देने वाला एक माध्यम ही नहीं होता, बल्कि हमें अज्ञान और अभिमान से मुक्ति का भी रास्ता दिखाता है। और हम भारतीयों के लिए तो ऐसे दिए एक दूसरे को जोड़ने और जुड़ने का माध्यम भी है। कार्तिक मास की अमावस्या को हम प्रभु राम की अयोध्या वापसी पर दिया जलाते हैं और आज भगवान शिव के धरती पर उतरने की खुशी में दिया जलाते हैं। दिया सबको जोड़ता है, सबको रास्ता दिखाता है। इसलिए जब 100 वर्ष का सबसे बड़ा संकट आया तो हम भारतीयों ने मिलकर दीपक जलाया। हमने वो दीप जलाया और आज भारत विजयी होकर विकास की नई गाथा लिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज यहां जलाए गए दियों का एक और संदेश है। इनमें से हर दिया आस्था का भी प्रतीक है और समृद्धि का भी प्रतीक है। ये दीप हमें विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाते हैं। किसी पर्व पर जब हम कुछ भी स्वदेशी खरीदते हैं तो हम न जाने कितने परिवारों के घर में समृद्धि का दीप जलाने का काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को कौशल और शिल्प की ज्योति प्रकाशित रखने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसी तरह जब हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं तो हम धरती मां को केमिकल से मुक्त करने का दीप जलाते हैं। जब हम स्वच्छता के लिए एकजुट होते हैं, जब हम जल संरक्षण पर, नदियों और झीलों को साफ करने पर ध्यान देते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरा को बेहतर बनाने का दीप जलाते हैं। हर अच्छा प्रयास एक दीपक की तरह आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। आज हम कोटि दीपोत्सव कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का संकल्प लेते हैं तो हमारा सामर्थ्य 140 कोटि दीपोत्सवों का हो जाता है। साथियों, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत का संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही सशक्त होगा। भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, उसका संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही सशक्त होगा। भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, इसका संकल्प तेज विकास और विरासत दोनों से ही सशक्त होने वाला है। और इसलिए हमें इन साधना के कामों को पूरी तरह बड़ी लगन से और बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमें करते रहना होगा। मैं इस भव्य समारोह, ये ठीक है कि मैं एक दूसरे वातावरण में इन दिनों व्यस्त हूं, लेकिन ये पवित्रता का माहौल, ये पवित्रता की कुछ पल हमारे लिए बहुत बड़ा सुकून लेकर के आती है। और आज जब हम आने वाली सदियों का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तब हमें भारत के आत्मविश्वास को फिर नई बुलंदी लेनी है। इसलिए हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस प्रेरणा के साथ काम कर रही है। आज देश अपने पावन धामों, अपने संतों, ऋषियों, तपस्वियों को सम्मान दे रहा है। केदार धाम हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, हर धाम के विकास पर बल दिया जा रहा है। और अब तो बस कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी है। अयोध्या नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर बस पूरा ही होने वाला है। मेरे परिवारजनों, तेलंगाना तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव से बहुत समृद्ध है। यहाँ मुलुगु में काकतीय रामप्पा मंदिर का विश्व धरोहर शिलालेख है। हजारों खंभों वाले मंदिर का कायाकल्प कई दशकों के बाद हो रहा है। भद्राचलम में श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर में नई सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जोगुलंबा अम्मावारू को अब भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। बोनालू और बथुकम्मा जैसे त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के प्रयास चल रहे हैं। सम्मक्का सरक्का, मेदाराम जतारा, जिसे आदिवासी समुदाय का कुंभ भी माना जाता है, उसका महत्व भी पूरे देश तक पहुंचने के लिए काम शुरू हो रहा है। साथियों, मैं संस्कृति और आस्था की सेवा करने के लिए भक्ति टीवी ग्रुप की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आपका ये प्रयास युवाओं को प्रेरित करेगा, अपने मूल से जुड़े रखने में मदद करेगा। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का ये दीप ऐसे ही जलता रहे, अपना प्रकाश फैलाता रहे, नई चेतना जगाता रहे, नई प्रेरणा का पुंज देता रहे और हम आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रकाश के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहे। इसी एक भावना के साथ मैं भी आज इस दीपोत्सव के अवसर पर अपने आप को इसका हिस्सा मान करके स्वयं में धन्यता अनुभवता हूं और मैं नरेंद्र भाई और उनके पूरे परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। Thank you, sir, for your commitment towards preserving Hindu Dharma. Thank you so much.